जो भी चुनाव लड़ेगा या नहीं लड़ेगा, इसका निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारी सीसी होती है जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी होती है, वो सारी बात संज्ञान में लेने के बाद अलग अलग व्यक्तियों को, कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जिम्मेदारी देती है, किसी को प्रदेश की, किसी को जिले की, किसी को चुनाव की, किसी को प्रचार की, तो अलग अलग काम बटे हुए हैं। लेकिन जो भी चुनाव लड़ रहा है उम्मीदवार, वो कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार है और हम सब लोगों का उम्मीदवार है। तो जो 10 नाम अभी सामने आए हैं, वो सबकी सलाह से, सबको कंसल्ट करने के बाद, बहुत गंभीर विचार विमर्श करने के बाद वो निष्कर्ष पर पार्टी पहुंची है। और आप देखिएगा जो लिस्ट आई है उसमें काफ़ी सारे नौजवानों को मौका दिया है, कुछ अनुभवी लोग भी हैं, लेकिन सबसे जिताऊ उम्मीदवार है उसको पार्टी ने नॉमिनेट किया चुनाव लड़ने के लिए। अभी हरियाणा में एक वर्तमान लोकसभा सांसद थे, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। राजस्थान में वर्तमान लोकसभा सांसद, वो भाजपा छोड़ के कांग्रेस में आए हैं। तो हमारे पास तो वर्तमान सांसद विधायक आ रहे हैं और बीजेपी में सब पूर्व जा रहे हैं जो कभी हुआ करते थे। तो इस बात को भी जनता को समझना चाहिए, जो व्यक्ति कांग्रेस की विचारधारा को ग्रहण कर रहा है और जो हमारे लंबे इतिहास को स्वीकार कर कर हमारे नेतृत्व में विश्वास कर रहा है, उस व्यक्ति को पार्टी में ले भी रही है और मौका भी दे रहा है। मुझे खुशी है कि पार्टी ने लोगों को मौका दिया है उनकी परफॉर्मेंस देखकर और उनका पार्टी की तरफ कमिटमेंट देखकर, और सभी जो 10 अब तक नाम आए हैं वो सब जिताऊ उम्मीदवार हैं हमारे।